मेड इन चाइना, ये मुख्तसर सा जुमला आपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और ऐसी हजारों चीजों पर लिखा देखा होगा, लेकिन मेड इन अमेरिका कम ही किसी चीज पर लिखा देखा होगा, और किसी स्मार्टफोन पर तो बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टीवी के मौसिस दोस्तों, इसकी सीधी सी वजह तो ये है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक अरसे से चीन के जेरे असर है। हालांकि आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे महंगे फोन बनाने वाली दोनों बड़ी कंपनियां अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं और खरबों डॉलर की मार्केट वैल्यू रखती हैं, दरअसल ये रुझान हमेशा से नहीं था, बल्कि अमेरिका 60 की दहाई से कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आलमी रहनुमा के तौर पर अपना किरदार अदा करता चला आ रहा था। ताम 70 और 80 की दहाई में जापान, चीन और कुछ दीगर एशियाई ममालिक भी कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में शामिल हो गए। फिर 2010 में वो वक्त आया जब कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। आदाद शुमार का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि 90 की दिहाई तक चीन आलमी सतह पर कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% का हिस्सेदार था। ताम आइंदा 10 सालों में इसने दीगर शोबे की तरह इस शोबे में खातिर ख्वाह तरक्की की और 2021 तक इसका आलमी पैदावार में हिस्सा 30% तक जा पहुँचा। इसके बरक्स अमेरिका के आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि 2021 में आलमी सतह पर कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका का हिस्सा 16.8% रहा और वह चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह मौजूदा सदर जो बाइडेन भी कमोबेश हर तकरीर में मेड इन यूएसए के नारे बुलंद करते जरूर नजर आते हैं, जिससे लगता है कि अब अमेरिका इस रुझान को एक बार फिर अपने हक में बदलने और चीन के साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में मुकाबले की भरपूर कोशिश कर रहा है। अमेरिका की इन कोशिशों के पसे पर्दा एक पहलू और भी है और वो है कोरोना के बाद पैदा होने वाली रस्त की रुकावटें। इन रुकावटों ने भी अमरीकियों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां दोबारा खोलें। यही वजह है कि अब सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां बनाने वाली कंपनियां अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगाने पर आमादा हो रही हैं और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार हैं। लेकिन इसके बरक्स एप्पल और अल्फाबेट जैसी बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं और बदस्तूर अपनी प्रोडक्ट्स की पैदावार अमरीका से बाहर कर रही हैं। ये अमरीकी कंपनियां हर साल सैकड़ों इंजीनियर सिर्फ इस मकसद के लिए भर्ती करती हैं कि वो दूसरे मुल्कों में जाकर उनकी फैक्ट्रियों में मामलात की निगरानी करें। जैसे कि 2019 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के 50 इंजीनियर रोजाना सैन फ्रांसिस्को से शंघाई के लिए यूनाइटेड एयरलाइन की बिजनेस क्लास परवाज लेते ताकि शंघाई में एप्पल फैक्ट्री के मामलात देख सकें। यूं 2019 में एप्पल यूनाइटेड एयरलाइन की सबसे बड़ी कस्टमर करार पाई और इसने एयरलाइन को सालाना 15 करोड़ अदा किए। आपको मालूम होगा कि चीन और अमेरिका की तजारती कशीदगी गुज़िश्ता कुछ सालों से जारी है। ऊपर से चाइना कोरोना पाबंदियों के हवाले से बाकी दुनिया से कुछ ज़्यादा ही हसास है और ये पाबंदियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से कंपनियों को बिलखसूस सनती पैदावार के लिए कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर एप्पल ने आईफोन बनाने के लिए बाज़ाहिर महफूज जगह ढूंढ ली है और वो है भारत। जी हाँ, आईफोन 14 की चीन में मामूली पैदावार के बाद एप्पल ने बकिया पैदावार भारत में करने का फैसला किया था। यूं तो एप्पल मलेशिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक में भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक हर चौथा आईफोन मेड इन इंडिया होगा। उम्मीद है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टीवी की जानिब से बनाई गई ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।